हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राजेंद्र यदुवंशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होराइजन इंग्लिश स्पोकन। तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स टाइम। मोस्टली बच्चे हम ये देखते हैं कि टाइम टाइम जो पूछना होता है टाइम के बारे में बच्चे पूछ तो लेते हैं कि हिंदी में कितना बचा है, लेकिन जब वही बात इंग्लिश से पूछने की आती है तो बच्चे हमेशा गलती करते हैं। तो गलती क्या करते हैं? गलती ये बोलते हैं बच्चे का, अगर आप देखिए बच्चा अगर बोला कि 9:20 हुआ तो बच्चों को सिखाया जाता है कि 9:20 बोलिए। इट इज रॉन्ग, ये गलत तरीका है। तो सही तरीका आज आपको मैं सिखाने वाला हूं कि टाइम कैसे पूछा जाता है और टाइम कैसे बताया जाता है। देखिए टाइम सबसे पहले हमें बोलना है कि कितना बजा है। अगर हम पूछते हैं कितना बजा है, कितना बज रहा है, वॉट एवर, फॉर दिस व्हाट इज द टाइम, कितना बजा है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम, कितना बजा है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना बजा है। बोथ वेज आर करेक्ट, दोनों तरीके आपके सही है। तो ये आपका हो गया टाइम पूछने का तरीका। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि आगे बहुत सारे टाइम होते हैं, जैसे कि हमने कहा 10:20 हुआ है, 10:20 हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझना पड़ेगा कि जब भी हम समय बताते हैं तो हिंदी में आस यानी कि घंटे पहले बोलते हैं, मिनट बाद में बोलते हैं। 10:20 हुआ है यानी कि 10 hours, 20 मतलब 20 मिनट। तो हमें क्या करना है, इंग्लिश इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। इंग्लिश इसका ऑपोजिट कैसे होता है कि कैसी भी स्थिति में पहले हमको मिनट बोलना है, उसके बाद में हमको आर्स बोलना है। मतलब हमको क्या बोलना है, 20, क्योंकि ये मिनट हो गया। अब हमें दो चीजें याद रखना है। आप देखिए कि अगर कुछ बजकर कुछ मिनट हो चुके हैं, मिनट गुजर चुके हैं, तो आपको हमेशा याद क्या रखना है, पास्ट यानी कि बीता हुआ समय, टू यानी कि बाकी समय। हमने क्या बताया आपको स्टूडेंट कि 10:20 हुआ है, 10:20, लेकिन इंग्लिश में आपको क्या बोलना है, मिनट पहले बोलना है, यानी कि 20 और बीत चुके हैं, 10:20 हो चुके हैं, तो 20 के आगे लगाइए आप पास्ट 10, दैट्स इट, 20 past 10। वन मोर, 9:05 हुआ है, कैसे बोलेंगे, 5 मिनट बीत चुके हैं, सबसे पहले मिनट ही बोलना है। पहले बोलिए 5 past 9। लेकिन यदि यही हम बोले कि 9:10 बाकी है, 9:10 बाकी है, तब भी समय कैसा भी हो मिनट पहले बोलना है। कितने मिनट बाकी, 10 मिनट, तो पहले आप बोलेंगे 10। चूंकि मिनट बाकी है इसलिए आपको पास्ट ना लगा करके क्या लगाना है, 2:10:09। अगर मिनट आपके गुजर गए हैं तो आप पास्ट के साथ जाइए, अगर मिनट आपके बाकी है तो आप 2 के साथ जाइए, है ना। दोनों स्थिति में मिनट पहले आएंगे, घंटे बाद में आएंगे, है ना। 2 आने वाले मिनट, पास्ट जो मिनट आपके गुजर गए। इतनी बात समझ में आई है, चलिए इसके आगे और देखते हैं। यदि हमें बोलना है कि 11:15 है, जैसे हम बोलते हैं कि 11:15 है, मतलब क्या कि 11:15 बात वही है, 15 मिनट यानी कि मिनट गुजर गए, गुजरे हुए मिनट के लिए हमको बोलना है पास्ट। तो हमको बोलना है 15 मिनट नहीं बोलना है, 15 मिनट को हमको नाम देना क्वार्टर, क्वार्टर पास्ट 11। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि 15 मिनट गुजर चुके हैं। यही बात अगर हम बोले कि 11:45, 11:45 है, तो यानी कि 15 मिनट बाकी है, और बाकी के लिए क्या लगाना है, 2। तो क्या लगाना है अपने को, क्वार्टर, क्वार्टर यानी 15 मिनट, 2:11। समझ में आ रहा है, 11:15 तो क्वार्टर पास्ट 11, 11:15 तो क्वार्टर 2:11। इतना क्लियर है,
और इसके आगे आप कहें कि मान लीजिए कि 12:30 बजा है ना, 10:30 बजा है, 8:30 बजा है, 8:30 बजा है, यानी कि कितना हो रहा है आपका 8:30। 8:30 मीन्स कि 30 मिनट ज्यादा हो गए। तो आज 15 मिनट के लिए क्या ले लिया हमने, क्वार्टर, आधा घंटे के लिए हम क्या ले लेंगे, हाफ। तो क्या बोलना है आपको, हाफ पास्ट एट, हाफ पास्ट एट, ठीक है। इस तरह से 9:30 को हम क्या बोलेंगे, हाफ पास्ट नाइन। लेकिन अब पूरा पूरा बज गया कि 9 बजा है, 10 बजा है, 11 बजा है, 9 बजा है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं इट इज 9 o'clock, इट इज 9 AM। पूरे समय के लिए ना आपको 12 लगाने वाला है, ना तो कुछ मिनट कम है ना कुछ मिनट ज्यादा है। तो इट इज 9 o'clock, इट इज 10 o'clock, इट इज 11 o'clock, इट इज 9 PM, इट इज 9 AM, है ना। तो इस तरह से समय देखना या समय बताना इंग्लिश में बहुत आसान है, लेकिन हमको यूज करना पड़ेगा डू और पास्ट का। पास्ट जो मिनट गुजर गए हैं, टू जो मिनट बाकी है, लेकिन हर स्थिति में पहले हमको मिनट बोलना है ना। तो इस तरह से अगर आपका टाइम का यूज करेंगे तो ये बेहतर तरीका है और यही सही तरीका है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।